अजमेर के रामगंज थाने में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने बताया कि भगवानगंज के रहने वाले परिवादी लखन तंबोली ने मुकदमा दर्ज करवाया कि उनके मित्र रमेश चंद चौहान ने उनसे 2,70,000 लिए थे, लेकिन उसे नहीं लौटाया गया, जबकि संबंध में इकरारनामा सहित विभिन्न कागजी कार्यवाही भी की गई थी। इसके बावजूद भी लगातार पैसे मांगने के बाद भी रुपए नहीं लौटाए जा रहे हैं। पैसे को लेकर पीड़ित ने शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्या मामला है? कल दिनांक 11/2/2023 को परिवादी श्री लखन तंबोली निवासी भगवानगंज का रहने वाला है। उसका कोई मित्र था रमेश चंद चौहान, नसीराबाद निवासी है। परिवादी ने उसको 2,70,000 रुपये दिए थे और उस पर इकरारनामा हुआ था, लेकिन रमेश चौहान ने उसको इकरारनामा नहीं मानते हुए पैसा रिटर्न नहीं कराया, जिस पे 420 में मुकदमा दर्ज हुआ है और अनुसंधान जारी है उसमें। आपका परिचय? मैं हेड कॉन्स्टेबल सुनील कुमार।